हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब सेफ होंगे। कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसलिए बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं और अपना ध्यान रखें। कल से नौ दुर्गे स्टार्ट हो रहे हैं। चैत के नौ दुर्गे जो होते हैं, जब ये पहल का दिन होता है, तो इसको हिंदू धर्म का नया साल भी इसी दिन को बताते हैं। और आज मैं दिखा रही हूँ आपको पापा जी कितना सामान लेके आए थे। कल संडे था, तो संडे में बहुत सारा सामान ले आए थे और व्रत के लिए भी सामान ले आए थे, और घर में जो डेली यूज होता है वो भी। तो ये सब दाल और ये साबुन वगैरह सभी था, और पूजा के लिए भी वो सारा सामान ले आए थे। ये देखो, बेसन, हल्दी, चाय पत्ती, बिस्किट, जीरा, ये सब सामान ले आए थे पापा जी। और ये काला नमक है, मैं सोच रही थी कि ये सेंधा नमक है, लेकिन ये काला नमक निकला, ब्लैक साल्ट बोलते हैं इसे। और ये बूरा थी लड्डू वगैरह बनाने के लिए। ये बिस्किट भी लेते आए। पापा जी ज़्यादातर संडे को ही मार्केट जाते हैं, और ये चने लेकर आए थे, ये मम्मी जी ने निकाल दिए थे। और इनका बना बना था आटा, मिस्सा आटा जो बनता है, इसको गेहूं में मिलाकर पीसवा लेंगे तो इससे मिस्सा आटा बन जाएगा। ये मखाने, ये है सेंधा नमक। पापा जी की छुट्टी संडे की होती है, तो वो अधिकतर संडे को ही मार्केट जाते हैं। और ये पूजा का सामान ले आए थे, नारियल, चुनरी, और ये थी धूपबत्ती, ये सामग्री, कलावा, पूजा का सारा सामान पापा जी इस संडे को ही ले आए थे। कपूर, रोली, और ये कुट्टू का और सिंगाड़े का आटा जो होता है, इसकी पूरी भी बन जाती है, और मम्मी तो इसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनाती है। इनमें था लौंग और जायफल वगैरह जो होते हैं, जो पूजा में यूज होते हैं, सफ़ेद इलायची वगैरह। बतासे लाना पापा जी भूल गए थे, तो उसके बाद हमने यहाँ से ही पास से बतासे मंगा लिए। और इसमें ये चने आपने देख ही लिए थे, चने का पिसवाना था आटा। पापा जी को मिस्सी रोटी बहुत पसंद है, और ये लेकर आए पापा जी चौलाई। चौलाई के लड्डू भी बनाने थे हमें, और उसकी बर्फी भी बनानी थी। मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी बर्फी कैसे बनाते हैं। और चौलाई की खीर भी नौ दुर्गों में बन जाती है, तो हम वो भी बना लेते हैं। तो पापा जी बहुत सारी ले आए थे, और ये मैं छल्ली और थाली ले ली थी चौलाई छानने के लिए। इधर मम्मी जी बना रही थी चूल्हे पर मावा। कढ़ाई हमारी बहुत हल्की हो गई है, ये लोहे की कढ़ाई है तो काफ़ी हल्की हो गई है, तो इसमें मावा बहुत नीचे लगता है, तो मम्मी जी इसमें काफ़ी परेशान हो गई थी बनाते बनाते, नीचे काफ़ी लग रहा था ये, तो मम्मी जी ने ये हल्का सा गाढ़ा कर लिया था दूध को मावा निकालने के लिए। और फिर उसके बाद ये गैस पे बनाने के लिए ऊपर ले आई थी कि अब इसको गैस पे बना लो, कढ़ाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब कि उसमें नीचे बहुत लग रहा है। अब मम्मी जी ले आई थी ऊपर मावा, तो मैं गैस पे बनाने लग गई थी। गैस के लिए हमारी दूसरी कढ़ाई है, तो मैं उसमें बना लेती हूँ। ये मम्मी ने काफ़ी उस पर चूल्हे पे बहुत अच्छे से टाइट हो गया था, लेकिन ये पूरा नहीं बना था, इसको बनाने में अभी टाइम लग रहा था। ये देखो, जैसी रबड़ी हो जाती है ना, ऐसा हो गया था मावा चूल्हे पर बनाने के बाद। अब इसको मैं गैस पे अच्छे से बना लेती हूँ, और फिर इसकी मैं बनाऊँगी मिठाई, वो भी आप देखना और वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको पता चले कि हम मिठाई कैसे बनाते हैं। और चौलाई की मिठाई भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस मावे में अब छींटे आने लगी थी, और ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया था। कढ़ाई में नीचे ये भी लग रहा था, लेकिन मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया था, और ये अच्छे से बन गया है मावा। ये मावा अच्छे से बन गया था, तो मैं थोड़ा सा कटोरी में अलग निकाल लेती हूँ। इसकी मुझे बनानी थी दूसरी मिठाई, और जो कढ़ाई में मावा बच गया है उसकी मैं बना रही हूँ बर्फी। मावा बनाने के लिए गैस मैंने स्लिप से नीचे उतार लिया था,
और आराम से मैं बैठ के बना रही थी। खड़े खड़े भी इतनी देर नहीं काम होता है और इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखो मावा काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया था और इसमें मैं डाल लेती हूँ बूरा। ये एक कटोरी मैंने इसमें बूरा डाल ली है। चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है चीनी डालने से मिठाई बर्फी जो बनाते हैं वो नहीं भी बन पाती और बूरा से अधिकतर बन ही जाती है। और इसमें बूरा अच्छे से मिल गई थी। थोड़े से मेरे पास तिल रखे थे तो मैंने इसमें 2 चम्मच तिल थे वो मैंने डाल दिए हैं। ये काफ़ी टाइट हो गई थी तो मैंने गोला कस लिया था। गोला बहुत बारीक बारीक कसा इसके लिए, वो मैं डाल देती हूँ इसमें और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। इधर मैंने ये छोटी सी परात है इसमें मैंने घी लगा लिया था अच्छे से और इसमें मैं इस बर्फ़ी को फैला देती हूँ। जब बर्फ़ी टाइट हो जाती है कभी कभी फैलने में परेशान हो करती है तो मैंने उसके लिए ये पलटनी ले ली थी और उसमें मैंने घी लगाकर इसको अच्छे से फैला लिया है। फिर ये अच्छे से इकसार हो गई थी। अभी काफ़ी गर्म थी ये, इसमें मैंने तिल जो ऐड कर दिए थे उससे काफ़ी अच्छी बर्फ़ी बनी है। ये परात में बर्फ़ी काफ़ी अच्छे से मैंने फैला दी है और ऊपर से मैंने चिकनी भी कर दी है। ये बनाई है जिज्ञा ने चॉकलेट किले से, किले होती है बच्चों के खेलने की, उससे बनाई है और उसके साथ सेपर आते हैं ये देखो, इससे बनाई है इसने चॉकलेट। और अब ये बर्फ़ी ठंडी हो गई थी मैंने पंखे में रख दी थी, इसको मैं काट लेती हूँ और इसके बहुत अच्छे पीस बने थे, काफ़ी अच्छे से निकल गए थे ये पीस। इसके साइड में जो छोटे छोटे रह जाते हैं कोने जो हो जाते हैं उसके बना लेते थे मैंने पेड़े। ये साइड के जो हैं इसको मैं मिला के और लड्डू की शेप में करके और फिर इसको दबा के पेड़े बना लेती हूँ। अब आप देखो कि मैं पेड़े कैसे बना रही हूँ। ये साइड के जो कोने बचे थे इनके पहले मैं लड्डू की तरह बना लूँगी गोल गोल और फिर हथेली के बीच में रख के इनको दबा कर पेड़े बना लूँगी। अब कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।